कहा जाता है कि भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे इस धरती के लिए हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख और सफलता को पा सके। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम भगवद गीता के 111 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भी पूरी तरह से भगवद गीता का मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इसे हर सुबह सुने। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाइए, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाइए और मेहनत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाते हैं, तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है वो अच्छा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और न ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस वर्तमान में है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है, तो वो जो चाहे वो बन सकता है। अभ्यास से हर चीज को निरंतरित किया जा सकता है। सच्चा धर्म ये नहीं है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है, वो जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं, ना तो मुझे कोई बहुत ज्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उसके काम आता हूँ। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, वो जरूरी जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना पराया छोटा बड़ा इन सब को भूल कर ये जानो कि ये सब तुम्हारा है और तुम हर एक को हो। इसीलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में है ना कहीं और। इसीलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी को ही करो। जो मन को काबू में नहीं करते, उनके लिए वो एक दुश्मन की तरह काम करता है। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। नर्क के 3 रास्ते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। लगातार कोशिश करने से आसान मन को वश में किया जा सकता है। पैदा होने के लिए मरना उतना ही सच है जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर गम मत करो, अपनाओ और आगे बढ़ो। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। जब आप अपने काम में आनंद लेंगे, तो समझ लो आपने परिपूर्ण प्राप्त कर ली है। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति हासिल होती है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूँ। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामना किए कर्म करना, यही सच्चा कर्म है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर या ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। जो होने वाला है वो होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्व से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर उन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वो नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उससे कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो, उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता है। इसीलिए हमेशा सच की राह पर चलो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ अपनी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। मैं कर सकता हूं, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये सोचना घमंड है। विश्वास रखो कि जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा
वो भी अच्छे के लिए ही होगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दे दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। जो बहुत या कम खाता है, जो ज्यादा या कम सोता है, वो कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना जरूरी है उतना ही खाएं और जितना जरूरी हो उतना ही सोएं और कर्म करते रहें। जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। कर्म वो सफल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, जैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर करें। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है, जो सोचता है वो बन जाता है। खुद से एक वादा करना, हमेशा ये जरूर समझना कि आप खुद कहां गलत हैं। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दो गुना कर देती है। कोई कुछ भी बोले, अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी जरूरी होता है। जो इंसान ये जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वो कभी भी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास में कितनी बुराइयां हैं। जब तक कि वो बुराई आपके अंदर ना चली जाए, आपके पास हमेशा समय होता है। ये सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। कौन क्या कह रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे आप उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। घमंड, गुस्सा और अखरपन ये बेकार इंसान के तरीके हैं। इसका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। किसी भी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। इससे उसमें उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। अच्छे नियम से किया गया काम कभी भी खराब नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे और बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल मिलते हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब भविष्य साफ ना दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने लग जाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। शरीर में रहने वाला वध कभी भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ी बन जाती है, और अगर नहीं सीखते हो तो गलतियां संसार है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतने ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यहाँ पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक अपने विचारों पर ध्यान लगाते रहते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावना में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए समय की कदर करें और अपने काम को समय पर करने की कोशिश करें। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू ना किया जाए तो तूफान उसे लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू रखते हुए अगर उसी दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाती है। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरा पहाड़ खड़ा कर सकता है। अपने परेशानी के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। आपके मन का बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। खुद को कभी भी कमजोर ना समझें। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें, पूरा निष्ठा से अपना कर्म निभाएं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। हो सकता है कि हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से लड़ना सीखो। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही फल मैं ही देता हूँ। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा
और कुछ भी नहीं है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं, एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं और दूसरा वो जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। प्यार शरीर और सुंदरता को देखकर नहीं होता, दिल से होता है। जहां दो दिल मिल जाए वहीं प्रेम का जन्म लेता है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच बना लेना यही मूर्खता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है, हमेशा एक नई शुरुआत इंतजार कर रही होती है। जीवन में अगर खुश रहना है तो ज्यादा ध्यान उसी चीज पर दें जो आपको खुशी देती हो। परेशानी में सब्र करना, खुशहाली में दया दान और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ इंसान की पहचान है। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी भी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराइयां छोटी या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और आने वाले समय को जरूर बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो एक बार भगवत गीता पढ़ लें ताकि भगवान आपको रास्ता दिखाएं। जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक चिंता ना करें। जो भी होता है उस सब का एक कारण होता है, इसलिए परिणाम को ठीक करने के लिए कारण को ठीक करें। इंसान जैसा मानता है वैसा ही वो है। मनुष्य अपने दिल से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है। फिर चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या फल, हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। हर इंसान के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवत गीता से ली गई 111 अनमोल विचार आपको पसंद आई होगी और इससे आपके जीवन में भी जरूर बदलाव आएगा। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।